दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीर लोग अपने पैसों के बारे में किस तरीके की माइंडसेट रखते हैं, और वहीं गरीब लोग अपने पैसे के बारे में ठीक से बात करना तक प्रेफर नहीं करते। वो लोग अपने पैसे के बारे में पॉजिटिवली डिस्कशन नहीं करते। वो डिस्कशन भी करते हैं तो बाकी चीज़ों के बारे में करते हैं, पर पैसे के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं जो गरीब लोग करते हैं। दोस्तों, गरीब लोग पैसे के बारे में पॉजिटिवली बात नहीं करते। इसका मतलब है दोस्तों, गरीब लोग बाकी सब टॉपिक के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स की नॉलेज होती है, उन्हें क्रिकेट की नॉलेज होती है, उन्हें बाकी दुनिया की सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, बस वो लोग पैसे की नॉलेज नहीं रखते। वो लोग किसी भी व्यक्ति से मिले तो उनसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। वो लोग फिल्मों की बातें कर सकते हैं, किसी भी और चीज़ों की बातें कर सकते हैं, पर पैसे की बातें वो कभी नहीं करते। या बहुत लोग जो पैसे की बातें भी करते हैं तो या तो वो लोग बहुत ही नेगेटिवली बात करते हैं। उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो पैसे का रोना रोते रहते हैं, उनके नाक पर ही हमेशा आंसू रहता है। दोस्तों, वो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि पैसा उनके पास क्यों नहीं आता है, या पैसा उनके पास टिका नहीं रहता है। इस तरीके से वो पैसे को ब्लेम करने लग जाते हैं। वो मन ही मन में खुद पैसे के लिए बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, पर लोगों को ऐसा शो ऑफ करते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या उन्हें पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गरीब भी है तो उन्हें उसी में मज़ा आ रहा है, पर ये एक्चुअल में सही नहीं होता है। दोस्तों, वो लोग खुद अपने हालत से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, फिर भी वो लोगों के सामने उस चीज़ के टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी बात ही नहीं करना चाहते। वो उन टॉपिक को किसी और टॉपिक से एक्सचेंज कर लेते हैं। वो लोग बहुत सारे गॉसिप के बारे में बात करने लग जाते हैं, पर उन्हें अपने लाइफ के चल रहे प्रॉब्लम के बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई भी इंसान जो अगर नीचे स्तर पर है, उसे अपने स्तर या नीचे स्तर पर रहने पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगता है, इसलिए वो उस चीज़ पर बिल्कुल भी बात नहीं करता। वो उन चीज़ों को दूसरे ऐसे चीज़ों से निगलेक्ट कर देता है, जिससे ना तो उसकी इज्जत कम होती है और ना ही उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही नीचे स्तर पर है। इसीलिए ज़्यादातर गरीब लोग या तो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं या किसी भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करते हैं जिनका उनके लाइफ से कोई भी सेंस नहीं होता। वो लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं, या उनके पास बहुत ऐसे ओपिनियन होते हैं जो ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही इम्पैक्टफुल होते हैं। उनके पास में बहुत सारे बकवास नॉलेज होते हैं या कचरा नॉलेज होता है, जिसे वो दूसरे लोगों पर थोपते रहते हैं। पर एक्चुअल में उन्हें बात करना चाहिए अपने पैसों के बारे में, ये डिस्कशन करना चाहिए या ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि वो किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, पर वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग हमेशा गरीबी रह जाते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो अमीर लोग करते हैं। दोस्तों, अमीर माता पिता हो या अमीर बच्चे ही क्यों ना हो, वो जब भी किसी से बात करते हैं तो वो पैसे के बारे में पॉजिटिवली बात करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि वो कितना गरीब है या उनके पास किस तरीके से पैसा नहीं आ रहा है। वो इस तरीके से बात करते हैं या इस तरीके से आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो स्मार्ट वर्क करके पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से वो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिनसे पैसा उनके पास खुद ब खुद आए। और दोस्तों, अगर आप पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में उस चीज़ की बार बार रिकॉलिंग होती रहती है, आप पैसे पैसे के बारे में प्लान बनाते रहते हैं, आइडियाज़ बनाते रहते हैं, तो आपका दिमाग उसे इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। दोस्तों, जब गरीब माता पिता अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें कोई बड़ा चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उनके बच्चे भी उस तरीके से उस सलाह को मान लेते हैं और कुछ नया रिस्क नहीं लेते। और वहीं अमीर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, पैसे के बारे में कुछ चीज़ें उन्हें सिखाते हैं, और जब वो उन्हें सिखाते हैं तो उनके बच्चों के लिए अमीर बनना और भी आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ें सीखने के बाद में ही आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए अमीर माता पिता अपने बच्चों से पैसे के बारे में बात करते हैं। वो उन्हें वो सारे सीक्रेट्स बताते हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है, जिससे पैसा बनाया जा सकता है। वो उनको बिजनेस बनाने के बारे में बताते हैं जिनसे उनके बच्चे और भी अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाते हैं। उन्हें वो सब चीज़ें फ्री में मिल जाती है, अपने घर से ही वो नॉलेज उन्हें फ्री में मिल जाती है जो वो लोग बाहर MBA या कोई बड़ी डिग्री करके हासिल कर सकते थे। इसलिए आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है या थोड़ा सा भी पता है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से नॉलेज गैदर करने की कोशिश करें। आप मनी रिलेटेड बुक पढ़ें और उन चीज़ों को एक्चुअल में अप्लाई करें। आपको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें एक्चुअल में काम नहीं करती है जो बुक में बताई गई है, पर कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्चुअल में आपके लाइफ में काम करते हैं। और जब आप उन चीज़ों से कुछ चीज़ें सीख लें, तब आपको कोशिश करना चाहिए कि आप दूसरों को भी सिखाएं, आप अपने बच्चों को बताएं और दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात करें, इस आइडियाज़ के बारे में बात करें कि किस तरीके से पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, किस तरीके से पैसा आपके लिए काम करता है, और किस तरीके से आप पैसे को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख करके पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपके पास पैसा और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप पैसे की इज्जत कर रहे हैं और पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। धन्यवाद।